राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम बिहार में जहरीली शराब से मौत की जांच के लिए पहुंची। पिछले सप्ताह सारण और सिवान जिलों में आधिकारिक तौर पर 3 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। और इन्हीं मौत की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने आज छपरा के मशरक में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और हादसे के बारे में जानकारियां इकट्ठा की। NHRC की टीम ने पीड़ित परिवारों की महिलाओं से हादसे के बाद के हालात के बारे में पूछा। सदस्य के जो लोग हैं वो जानकारी ले रहे हैं कि कैसे मौत हुई, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, जब तबीयत बिगड़ी तो उनका इलाज कहाँ किया गया, इलाज में क्या क्या खामियां हुई। कल मानवाधिकार आयोग की टीम ने छपरा सदर अस्पताल का दौरा किया था और मृतकों के आंकड़े और अस्पताल में भर्ती हुए लोगों के बारे में जानकारी जुटाई थी। बिहार जहरीली शराब कांड मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच पर नीतीश सरकार नाराज दिखी। JDU और RJD ने NHRC टीम के दौरे पर आपत्ति जताते हुए इसे पूरी तरह से अनुचित बताया। इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड ने जहरीली शराब से पहले हुई मौत का हवाला दिया और सवाल किया कि तब तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जांच के लिए नहीं आई थी। मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में सैकड़ों की जान जहरीली शराब से गई। भारत सरकार या भाजपा मानवाधिकार से उसकी जांच की मांग क्यों नहीं? वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कार्रवाई को BJP के इशारे पर नीतीश सरकार को बदनाम करने के लिए किए गए दुष्प्रचार का हिस्सा बताया। एक प्रोपेगेंडा है, उस पर लोग काम कर रहे हैं, सरकार को बदनाम करना है। आरोपों का जवाब देते हुए BJP ने कहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वतः संज्ञान लेकर जाँच पड़ताल कर रही है। बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे जहरीली शराब से हुई मौतों के आंकड़े को छुपाया जाता है, और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जिनके भी परिवार के लोगों की मृत्यु हुई है वह सीधे आकर उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए जिससे कि उनको इंसाफ मिल सके। BJP ने राज्य सरकार पर जहरीली शराब से हुई मौत का आंकड़ा छिपाने का भी आरोप लगाया। जहरीली शराब कांड के खिलाफ बिहार विधानसभा परिसर में BJP ने प्रदर्शन किया। BJP के विधायक और MLC राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ धरने पर बैठ गए और नीतीश कुमार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। BJP नेताओं ने राज्य के मुख्यमंत्री पर विधानसभा में लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया और जहरीली शराब कांड के मृतकों के परिवार वालों को मुआवजा देने की मांग की। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने ऐसी घटना में मुआवजे का प्रावधान नहीं होने की दलील दी। दिन भर हंगामा करते रहे, अब जो है वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, तो उससे उनको कुछ मिलने वाला है। तो सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि मुआवजा का कोई प्रोविजन नहीं है, मुआवजा देने का कोई नियम नहीं है। प्रदर्शन को लेकर RJD ने BJP की नीयत पर सवाल उठाए। भारतीय नौसेना के बेड़े में एक और ताकतवर पनडुब्बी की एंट्री हुई है। नौसेना को स्कॉर्पिन क्लास की 5वीं पनडुब्बी INS वागीर मिल गई है और इसे जल्द ही नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। INS वागीर के आने से हिंद महासागर में भारत को चीन की बढ़ती चुनौती से निपटने में मदद मिलेगी। भारतीय नौसेना के बेड़े में पहले से ही 4 स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन हैं, जिनके नाम INS कलवरी, INS खांडेरी, INS करंच और INS वेला है। INS वागीर के बाद स्कॉर्पिन क्लास की 6ठी और आखिरी पनडुब्बी INS वागशीर अगले साल नौसेना में शामिल होगी। स्कॉर्पिन क्लास की पनडुब्बियां बेहद खामोशी से समुद्र में आगे बढ़ती हैं, जिससे दुश्मन के टोही उपकरण उनका पता नहीं लगा पाते। INS वागीर टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइल से लैस है, जो पलक झपकते ही दुश्मन के जहाज को समुद्र में डुबा सकती है। एक तरफ कोरोना पूरी दुनिया को चपेट में लेता नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाने के साथ रूसी सेना अब उन इलाकों पर हमले तेज कर रही है जिसे वो अब तक अपने कब्जे में नहीं ले सकी है। जिसकी तस्दीक हुई डोनेस्क में रूस के ताजा हमलों से। डोनेस्क पर कब्जा करने की कोशिश में रूसी सेना ने भारी गोलाबारी की, जिसे एक समाचार एजेंसी के पत्रकार ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। डोनेस्क के तोसरके में जब ये पत्रकार शूट कर रहा था, उसी दौरान रिहायशी इमारत के पास जोरदार धमाका हुआ। वहीं डोनेस्क के गवर्नर पावलो किरिलेंको ने बताया कि रूसी हमले में 2 नागरिकों की मौत हो गई। दरअसल तोसरके पर यूक्रेन की सेना का ही कब्जा है, जबकि रूस अपनी सीमा से लगे यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र के डोनेस्क प्रांत पर अब तक कब्जा नहीं कर सका है, जिसके बाद से ही यहां रूस लगातार हमले कर रहा है। हालांकि इन हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने तोसर के शहर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर बाखमुत शहर का दौरा किया। ये वही बाखमुत शहर है जहां रूस और यूक्रेन की सेना के बीच पिछले कुछ महीनों से भयंकर संघर्ष चल रहा है।
जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया कि जेलेंस्की ने बाखमुत में मोर्चे पर तैनात सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की और यूक्रेनी सैनिकों को उनके अदम्य साहस के लिए इनाम भी दिया। इस दौरान वहां की तस्वीरें भी सामने आई जिनमें जेलेंस्की यूक्रेन के सैनिकों से बात करते नजर आए, जबकि उन्होंने अपने देश के सैनिकों के साथ फोटो भी खिंचवाई। बाखमुत के युद्ध प्रभावित इलाके से लौटने के बाद जेलेंस्की के तेवर बदले बदले नजर आए और उन्होंने कहा कि वो जंग में जीत के लिए जो मुमकिन होगा वो करेंगे। надзвичайно важливий для України, для того, щоб пройти цю зиму і наступний рік, щоб здобути необхідну підтримку і щоб український прапор нарешті запанував на усіх ділянках нашого з вами кордону, кордону України. जेलेंस्की ने जो कहा वही करते भी नजर आ रहे हैं। वो वॉशिंगटन जाने की योजना बना रहे हैं और व्हाइट हाउस पे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिल सकते हैं। हालांकि अमेरिका और यूक्रेन ने इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी में रूसी आक्रमण के बाद से जेलेंस्की की ये पहली विदेश यात्रा होगी। जेलेंस्की की अमेरिका यात्रा पर सुरक्षा चिंताओं को लेकर चर्चा हो सकती है। वहीं जेलेंस्की अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित भी कर सकते हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने जेलेंस्की की संभावित यात्रा को लेकर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वहीं अभी तक यात्रा को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के टॉप 10 बिजी एयरपोर्ट्स में शुमार हो गया है। ब्रिटेन की कंसल्टेंसी फर्म OAG ने दिसंबर के महीने में दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स की रैंकिंग जारी की, जिसके मुताबिक इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का 7वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। OAG ने ये रैंकिंग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए बुक करवाई गई सीटों की संख्या के आधार पर तय की है। इससे पहले नवंबर के महीने में IGI व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में 10वें नंबर पर था, लेकिन OAG के मुताबिक एक महीने में दिल्ली एयरपोर्ट से बुक होने वाली सीटों की संख्या 6% बढ़ी है, जिसकी वजह से वो 7वें नंबर पर पहुंच गया। जानकारी के मुताबिक दिसंबर में IGI एयरपोर्ट पर 35 लाख से ज्यादा सीटों की बुकिंग हुई है। OAG की लिस्ट में पहले पायदान पर अमेरिका का अटलांटा एयरपोर्ट है, जहां 47 लाख सीटों की बुकिंग हुई। वहीं 46 लाख सीटों की बुकिंग के साथ दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दूसरे पायदान पर है, जबकि 42 लाख सीटों की बुकिंग के साथ टोक्यो एयरपोर्ट सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है। कश्मीर के कई इलाकों में तापमान माइनस में चला गया है। श्रीनगर में आज सुबह तापमान -4 डिग्री दर्ज किया गया। आज से कश्मीर में 40 दिन तक चलने वाली तीखी सर्दी का दौर चिलाई कला शुरू हो गया है, मतलब अब घाटी का तापमान माइनस में ही रहेगा। अलीगढ़ में सर्दी से निपटने के लिए नगर निगम ने खास तैयारी की है। गरीब और बेसहारा लोगों के लिए आधा दर्जन से ज्यादा रैन बसेरे बनाए गए हैं, जहां बेड, गद्दे, तकिया और रजाई के पर्याप्त इंतजाम है। ठंड और कोहरे के बीच यूपी के पीलीभीत में अचानक बाघ दिखने से हड़कंप मच गया। बाइक सवार कुछ युवक बाघ के बेहद करीब पहुंच गए। हालांकि गनीमत की बात ये रही कि बाघ ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। यूपी के जौनपुर में कोहरे के कारण गायों को ले जा रहा ट्रक हादसे का शिकार हो गया। ट्रक के पलटने से कई गायें जख्मी हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने गायों को रेस्क्यू किया।